सुरासुरमणि सिन्न वंदितं धोदघायिकमलं परमाविभक्तिमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। रात्रि के स्वाध्याय में 12 नंबर श्लोक के माध्यम से हमने विस्तार से चर्चा की। उसकी अंतिम पंक्ति नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वता, मैं शाश्वत देव हूं, इस बात को हमने काफी विस्तार से जाना। और उसी बात की पुष्टि के लिए जो प्रातःकाल गाथा और टीका चल रही है 94, उस टीका के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जिससे कि विषय एकदम आपका पक्का हो जाए। और जैसे आज प्रातःकाल वीर शासन जयंती की चर्चा आई, उसमें गौतम स्वामी जो ग्रीक मिथ्या दृष्टि थे वर्तमान पर्याय में, कैसे वो मान स्तंभ उन्होंने देखा, समुपसरण देखा, उनको कैसे वो ज्ञान हुआ, और वहीं पर ग्रीक मिथ्यात् का भाव, ग्रीक मिथ्यात् का भाव, तीन कसाय चौकड़ी का भाव, मुनि दशा, मन परे ज्ञान, किस तरह से वो प्रोसेस हुई, इस तरह से हमें भी कैसे कर्मों का भाव हो सकता है उस विधि के द्वारा। और अलग अलग जीवों की अलग अलग योग्यता होती है। देखो डॉक्टर वही है, दवाई वही है, लेकिन अलग अलग मरीजों के योग्यता रोग के अनुसार वो दवा और डॉक्टर निमित्त बनता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग जीवों की जो पहले विराधना से कर्म बने हैं और योग्यता, दो चीजें निकले ना जो बोल रहे हैं, अलग अलग जीवों के जो पहले विराधना से कर्म बने हैं उसके अनुसार और योग्यता, उसके अनुसार रत्नत्रय की, मुनि दशा की, अरंस दशा की प्राप्ति होती है। बराबर जैसे भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर के द्रव्य थे, 10वां पूर्व ने सम्मेलन हो गया, फिर वो लगातार रहा, मोक्ष कब गए 10वां बार, और बीच में भी वो कई बार भावलिंगी मुनि बने चौथे काल में ही, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या उनका कुछ भाव में विशुद्धि की कमी थी और साथ की कमी गड़बड़ थी? कुछ कुछ नहीं, योग्यता है। जैसे एक तीर्थंकर को कितने दिन में केवल ज्ञान, एक को कितने दिन में, एक को कितने दिन में, तो क्या गड़बड़ है किसी तीर्थंकर की और साथ में कोई गड़बड़ है? योग्यता है। अच्छा मुक्ति की चाह में थोड़ी कमी होगी है, कुछ नहीं है। जो अपन लौकिकता में कहते हैं भैया ये 20 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, इनका जीवन क्यों नहीं बदल रहा, संदर्शन क्यों नहीं हुआ, पंचमुख स्थान क्यों नहीं रहो, क्यों नहीं हो रहा, तो व्यवहार से उपदेश की शैली में कथन, अरे उनकी पुरुषार्थ की कमी है, उनका ऐसा है, तो ये कथन चलते हैं, होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमार्थ स्वरूप क्या है वो समझने की बात है। एक करणाल योग से उत्तर दिया और दूसरा उत्तर दिया तत्समय की योग्यता वस्तु व्यवस्था से। आज तो मैं कहा था यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताने वाला ही वीर शासन है। ये सब चर्चा विस्तार से थोड़ी थोड़ी आई थी। देखिए प्रवचन साहब जी ग्रंथ की गाथा नंबर 94 गाथा पढ़ते हैं। जो पजय सुनिदा जीवा पर समति देखा आग सहा मिठदा ते सब समया मुड़े गवा पर आए मत जीव जेते पर समय निरदिष्ट छे। स्वय सभ ज्ञात
मूल गाथा में तो इतनी सी बात कही, जो जीव पर्यायों में लीन है उन्हें पर समय अज्ञानी मिथ्या दृष्टि दुखी कहा गया है। जो आत्म स्वभाव में स्थित है वे स्वयं समय जानने सम्यक ज्ञानी है, सुखी है, सम्यक दृष्टि है, ये बात कही। इस टीका की, इस गाथा की टीका की दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरा पैराग्राफ सॉरी, वहां से अपन चर्चा करते हैं। जो अपन 13वें 12वें नंबर के श्लोक पढ़ रहे थे उससे उसको मैच करते हैं। टीका का दूसरा पैराग्राफ है सामने, और जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा, मिला शब्द दिख रहे हैं, ये वीर शासन है, वीर भगवान की मूल बात। कैसी बात है ये मूल बात। देखो आजकल जमाना है बहुत ज्यादा बातें करने का नहीं है, बड़े बड़े ऑफिसर हो, बड़ी बड़े बिजनेसमैन हो, तो कितनी बात शॉर्ट में, कम से कम शब्दों में, ऐसा होता कि नहीं होता, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो भगवान महावीर स्वामी की जो मूल बात है, जिसके निर्णय किए बिना दर्शन वो हिलेगा नहीं, करणानियों सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट नहीं होंगे, परिणाम नहीं सुधरेंगे, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। वो मूल बात क्या है, सबको वीतरागता चाहिए, लेकिन वीतरागता जिस स्वरूप के जानने से आती है वो स्वरूप कैसा है, वही तो वीर शासन कहलाएगा, वो स्वरूप कैसा है। दोबारा देखो, और जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा, कैसा हूं मैं, असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा, इसकी इतनी लाइन की चर्चा करना है। मैं शाश्वत देव हूं, कैसा देव हूं, शाश्वत, तो द्रव्य से भी शाश्वत हूं, गुणों से भी शाश्वत हूं, और मेरा जो ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन है, पर्याय है, वो भी शाश्वत है। और अपन ने बीच में चर्चा की थी कि विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है, बराबर। मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं, भेद से भी कहे तो मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं, फिर भेद करेंगे, अभेद करेंगे, चर्चा और लेंगे इससे। तो दृष्टांत से अपन चर्चा करते हैं। यहां पर एक जीव द्रव्य है कि नहीं, है कि नहीं, बराबर, जीव द्रव्य, और उसमें भी दो चीज, अस्थि और नास्ति, क्या कहा, अस्थि और नास्ति। यहां पर गुण है कि नहीं, ज्ञान गुण मुख है कि नहीं, जानन शक्ति, शक्ति, उसमें भी अस्थि और नास्ति। तीसरा, यह ज्ञान स्वभाव है कि नहीं, उपयोग लक्षण है, बराबर, उसमें भी अस्थि और नास्ति, यानी कर्म स्वरूप है तीनों में। अब देखो, ऊपर आसमान में एक सूर्य नाम की वस्तु है, सबने देखी है, बोलो, देखी है, देखी है, तो एक सूर्य नाम की वस्तु, बराबर, वो भी अस्थि और नास्ति उसमें भी, अभी बताइए, उसमें एक प्रकाश शक्ति है कि नहीं, बोलते जाओ, प्रकाश शक्ति है, बराबर, उसमें भी अस्थि और नास्ति, बताइए शुरू को भी, और प्रति समय उसमें से क्या निकल रहा है, प्रकाश, 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 है ना, प्रकाश, पर्याय, द्रव्य गुण और पर्याय, बराबर। अब देखना, सूर्य नाम की जो मूल वस्तु है वो कब से है, कब तक रहेगी, किसने बनाई, सब लोग बोलो, किसने, किसी ने बनाई है, कब तक रहेगी, बराबर, ऐसा ज्ञान है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं,
और उसके बारे में टपकना जाए, कुछ होना जाए, टेंशन है? टेंशन भी नहीं है। ये अस्थि से उसका स्वरूप पक्का पक्का द्रव्य सत्ता का। अब नास्ति, सूर्य सूर्य रहता है, कभी चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी नहीं बनता, ये नास्ति। बराबर, आगे लिखो, बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा तो ये विस्तार की है, संक्षेप में आपको बता रहे हैं, सब स्वाध्यायी समझदार है। बोलो, सूर्य कभी प्रकाश शक्ति रूप हो जाएगा? तो लिख लो, प्रकाश शक्ति की भी नास्ति। बहुत मानवीय बात है, अर्थ तत्व की जो पढ़ाई है ना, तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम, ये वहां से पूरी चर्चा है। बराबर, अपने भी चर्चा की थी श्रीनगर में, अर्थ और तत्व सत्ता स्वरूप ये हर चीज में लगती है। तो सूर्य कभी चंद्रमा बनेगा, तारा बनेगा, उसमें कभी उनसे कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टेंशन सूर्य के बारे में अस्थि से भी नहीं और नास्ति से भी नहीं। द्रव्य के बारे में सम्यक ज्ञान, सूर्य के बारे में सम्यक दर्शन और निश्चिंतता, सम्यक चारित्र। क्लियर हुआ सबको? अरे हुआ कि नहीं हुआ? सूर्य द्रव्य के बारे में अस्थि से और नास्ति से। बराबर, एक अकृत्रिम वस्तु है, जड़ वस्तु है। बराबर, अपने कर्णनियों के हिसाब से कहते हो ज्योतिषी देवों का एक विमान है। और एक और बात बताए, वो विमान भी वैसे ही नहीं है। जिन्हें बहुत ज्यादा मंद कसा चाहिए, पुण्य चाहिए, विशुद्धता चाहिए और तत्निर्णय नहीं चाहिए और उच्च गति चाहिए, तो ऐसे जीव मर के बनते हैं, ऊपर जाते हैं। और सूर्य और चंद्रमा के विमान को 16-16 या 32 16-16 हजार देव खींच रहे हैं, बैल जैसे जुते हैं। क्या कहा? पता ही नहीं पता, बैल जैसे लगातार खींच रहे हैं उसको, तो वैसे नहीं चल रहा सूर्य का विमान, चंद्रमा का विमान, देव उतने वैसे जैसे वो है ना, ऐरावत हाथी कौन है? एक आवियों के जाति का देव है, उनके काम ही है। इंद्र ने कहा है, बन जाओ हाथी, बन जाओ घोड़ा, बन जाओ खिलौना बाल तीर्थंकर के लिए। बस समझ आ रही कुछ बात? तो बीच में थोड़ी सी बात आई थी। तो सूर्य नाम की एक वस्तु है कि नहीं? सूर्य सूर्य है, सूर्य क्या करता है? लिखो, सूर्य सूर्य बना रहता है, अस्थि। उसका तत्व, वो कभी चंद्रमा होता है, तारा बनता है, किसने बनाया, कौन नष्ट कर सकता है? बराबर, वो स्वयंभू स्वयंभू है, अपना स्वयं भगवान है, उसमें किसी की चलती है पक्का। सूर्य द्रव्य सत्ता अस्थि और नास्ति से। क्लियर हुई? ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और उसके बारे में निश्चिंत और निर्भय परिणति, ये सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग वीर शासन। किसके बारे में? अपन अभी यहां भी कराएंगे। बराबर, उस सूर्य में प्रकाश शक्ति है कि नहीं? कब से है? किसकी कृपा से? अभी हम यहां से निकल रहे थे तो एक मकान के ऊपर लिखा था पूर्वज कृपा। क्या लिखा था? पूर्वज कृपा। जबलपुर है भैया, ऐसी ऐसी क्या कहे। तो सूर्य किसकी कृपा से है? अपने से है, भगवान महावीर स्वामी से भी नहीं है। ग्रीक मिथ्यात का भाव, कौन से सूर्य ग्रहण, कौन से चंद्र ग्रहण, कौन सी राहु, कौन से केतु, क्या कुछ नहीं। लिख लो, ये जीव की जो भी है, जीव प्रत्येक जीव अपनी गाथा टीका भावार्थ स्वयं लिखता है, कोई दूसरा नहीं है। सीता जी को जंगल में किसने निकाला था? एक अज्ञान ने, न धोबी ने, न कर्म ने, न कर्मों के उदय ने, दूसरा कोई नहीं है।
और फिर अज्ञानता होती है, कर्म बनते हैं, निमित्त रहते संबंध बनता है। उसमें भी जीव यदि सावधान हो तो कर्म की निर्जला आनंद पूर्वक बेकर्म भी नष्ट हो जाए, लेकिन फिर स्वरूप नहीं पता तो पाप कितने हैं? अनेक ही है, आपा नहीं जाना तूने, एक ही पाप है, वो अपन अभी सिद्ध कर रहे हैं। तो ज्ञान हुआ सूर्य के बारे में, ऐसा विश्वास हुआ उसके बारे में, प्रकाश शक्ति कब से है कि नहीं, विश्वास है। इसको अपन ने कैसे सिद्ध किया था कि प्रकाश है, इसका मतलब प्रकाश शक्ति है, और जब प्रकाश शक्ति है तो प्रकाशवान सूर्य भी है, तो पर्याय से गुण, गुण से ध्रुव, क्लियर? अरे हाँ कि ना, बराबर। तो ऐसे ही प्रकाश शक्ति है, प्रकाश शक्ति किसी ने बनाई नहीं है, अनादि अनंत है, कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, कर सकता, बराबर। और प्रकाश शक्ति क्या करती है बोलो? देखो प्रकाश शक्ति, प्रकाश शक्ति है अर्थ, और प्रकाश शक्ति बनी रहती है उसका तत्व। क्या कहा? ये अस्थि से नास्ति से प्रकाश शक्ति सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह होती है? नहीं होती। कभी प्रकाश पर्याय रूप परिणमित होती है? नहीं। देखो गजब है, गुण भी कभी पर्याय रूप नहीं होता, तो गुण में पर्याय की नास्ति, और गुण कभी द्रव्य नहीं होता तो गुण में द्रव्य की नास्ति। बहुत गजब का स्वरूप है। आपने अभाव सुने? अभाव सुने कि नहीं सुने? कितने होते हैं लिखो, पांच। क्या बताया, सब चीज हम ही पढ़ाएंगे क्या? पांचवा कौन सा है? अतद भाव। पांचवा कौन सा है? जो द्रव्य है वो गुण नहीं, जो गुण है वो द्रव्य नहीं, जो गुण है वो पर्याय नहीं, जो पर्याय है वो गुण नहीं, जो ज्ञान गुण है वो श्रद्धा गुण नहीं, जो श्रद्धा गुण है वो आपस में तीनों का सबका एक दूसरे में अभाव है। तब तो वस्तु की व्यवस्था बनी है। वीर शासन है आज 274 साल पहले, कितने 26-25 200 कहां से याद आ गए, 25 सा प्रारंभ हुआ था प्रारंभ। और तो प्रकाश शक्ति का हमें ऐसा ज्ञान है कि नहीं, आज हुआ कि नहीं हुआ, तो सच्चा ज्ञान है कि झूठा? सच्चा ज्ञान है, विश्वास, विश्वास है। और प्रकाश शक्ति के बारे में टेंशन, कभी प्रकाश शक्ति घट ना जाए, घिस ना जाए, कम ना हो जाए, फिर हमारे कपड़े कैसे सूखेंगे, पापड़ कैसे सूखेंगे, कोई टेंशन है? नहीं है, निश्चिंत है हम, बराबर। ये उसके बारे में रत्नत्र है, बराबर। अब अंतिम जो चर्चा है पर्याय की, वो बहुत गजब की है, और जैसा दृष्टांत वैसा सिद्धांत में लगेगा, बराबर। तो पक्का करना उसे, प्रति समय सूर्य में से क्या निकल रहा है? प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। कब निकल रहा है? नित्योदयम, नित्युदित। कब नहीं है प्रकाश? जब सूर्य ग्रहण हो जाता है तब, जब सनसेट हो जाता है तब। अरे सदा सदा, सिद्धांत में आएगा भी वो, समझना बात को। तो सदाकाल क्या है? प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश है कि नहीं है? प्रकाश, ये अर्थ सत्ता। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश करता है, प्रकाश बना रहता है, उसका तत्व। प्रकाश कभी सूर्य बनेगा? प्रकाश शक्ति बनेगा? नास्ति। प्रकाश कभी चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र बनेगा? नहीं बनेगा। अब सुनना आगे, प्रकाश में कीचड़ झलकी, प्रकाश कीचड़ पर बिखरा, तो प्रकाश कीचड़ रूप हो गया? हनुमान भैया सब देख रहे हैं हम? हाँ, आगे करो कुर्सी थोड़ी, कोई बात नहीं, सब मिट्टी मिट्टी है, अब तो चेतन की बात चल रही है। कुंद कुंदाचार्य जी के वचन है, अमृत चंदाचार्य के, अद्भुत बातें हैं।
क्या बोल रहे थे? प्रकाश प्रकाश रहता है, अन्य रूप कीचड़ को प्रकाशित करता है, तो प्रकाश कीचड़ रूप हुआ, उसने कीचड़ को बनाया, प्रकाश ताजमहल पर पड़ा, तो प्रकाश ताजमहल रूप हुआ, तो प्रकाश का गुडलक आया, पुण्य का उदय, तो उससे प्रकाश अच्छा हुआ नहीं हुआ, तो कीचड़ को झलकाने से प्रकाश खराब नहीं होता, तो कीचड़ से द्वेष नहीं, और ताजमहल से अच्छा नहीं होता तो ताजमहल से राग नहीं, और उसका कोई संबंध नहीं है, बराबर एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, पक्का। अब प्रकाश बढ़िया गौमटेश्वर बाहुबली, गौमट मतलब होता है कन्नड़ में सुंदर, तो सुंदर वीतरागी भगवान के ऊपर प्रकाश पड़ा, तो प्रकाश वीतरागी हुआ, उसने वीतरागता को किया नहीं किया, कोई संबंध नहीं है, तो प्रकाश की प्रकाश से अस्ति और सबसे पाप से पुण्य से वीतरागता से दृष्टांत में नास्ति, ऐसा स्वरूप है कि नहीं, ऐसा ज्ञान ऐसा विश्वास, तो किसी से अच्छा बुरा नहीं होता प्रकाश, तो किसी से राग नहीं, किसी से वीतरागता, पक्का दृष्टांत पक्का, तो मजबूरी थी, सिद्धांत जरूरी है। जैसे आकाश में एक सूर्य नाम की वस्तु है, ऐसे इस देह रूपी देवालय में मिट्टी की काया बीज सुवासित जड़ता के बीज छोपसमिक विशेष ज्ञान पर्याय के बीच, लिख लो तीनों के बीच द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, क्या लिखा है यहाँ पे? द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा, तीनों से भिन्न यह है कि नहीं? अब देखो दिखा रहे हैं, यह एक जीव वस्तु है, जीव द्रव्य है, पक्का पक्का, कब से है, कब तक रहेगा, जनक कौन है, जननी कौन है, कौन है, माता पिता, ब्रह्मा विष्णु, महावीर स्वामी, अपनी बेटी के कि महावीर जी के, किसी ने नहीं बनाया, कौन नष्ट कर सकता है, कब से है, कब तक रहेगा, बराबर। तो जो जीव द्रव्य है वो क्या करता है, बोलो, जीव द्रव्य जीव बना रहता है, ये तत्व उसका अस्थि से, जीव द्रव्य कभी शरीर हुआ, कर्म हुआ, कषाय हुआ, क्षोपसमिक ज्ञान रूप हुआ, लिख लो ये नास्ति, अस्ति और स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, समझी मैंने पाई स्वस्ति, स्वस्ति मतलब लिख लो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग सम्यक ज्ञान कल्याण, स्वस्ति मतलब बराबर। तो मैं जीव द्रव्य हूं, जीव वस्तु हूं, जीव ही रहता हूं, अन्य रूप नहीं होता, लिख लो ये द्रव्य से सुस्थित बना है, सुस्थित, और किसी ने बनाया नहीं, कोई नष्ट नहीं कर सकता, स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है, और टेक्निकल भाषा में कहो, शास्त्रीय भाषा में, लोकरम द्रवकरम भावकरम से रहित है, इसलिए भगवान है। कौन है? जो द्रव भाव लोकरम से रहित होते हैं वो कौन होते हैं? भगवान। तो मेरे द्रव्य स्वभाव में शरीर कर्म कसाय है, इसलिए वो भगवान है, पक्का। तो ऐसा अपने अविनाशी द्रव्य स्वभाव भगवान का ज्ञान विश्वास और भगवान बने का आनंद, और वो नष्ट कब हो जाएगा, टेंशन बोलो, इस लोक कब है, परलोक कब है, जन्म मरण का, अकस्मात बोलो, वेदना का, चोर चुरा लेंगे, किसी की रक्षा की जरूरत है, बोलो। जब उस जड़ सूर्य में नहीं है तो मुझ चैतन्य सूर्य में कहां से होगी, सब भय होगा, क्लियर। तो द्रव्य के बारे में
ज्ञान दर्शन चारित्राणी आनंद मार्ग, कौन सा मार्ग है? निर्भय मार्ग। हो गया क्लियर? दूसरा, जीव द्रव्य है तो इसमें ज्ञान नाम की शक्ति है कि नहीं? ज्ञान नाम का विशेष गुण है कि नहीं? गुण गुण अभी सदा है कि नहीं? नित्य है कि नहीं? पक्का शक्ति है ज्ञान नाम की, बराबर। वो भी कब से है, कब तक रहेगी, कौन ने बनाई? श्रद्धा गुण जानता है कि ज्ञान गुण जानता है? जल्दी बोलो अभिषेक, श्रद्धा गुण जानता है कि ज्ञान गुण? लिखो, ज्ञान गुण जानता नहीं है, ज्ञान गुण बना रहता है। उसका तत्व अस्थि से नास्ति से, ज्ञान गुण का भी शरीर बनेगा, कर्म बनेगा, कसाय बनेगा, ज्ञान गुण कभी जीव द्रव्य बनेगा, ज्ञान गुण कभी जानने का काम करेगा, उपयोग लक्षण बनेगा, नहीं बनेगा, सबकी नास्ति, ऐसा उसका अपना स्वरूप है। ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, और आप स्वयं ज्ञान गुण के बारे में भी निश्चिंत है। सम्यक चारित्र लिख लो आप, निश्चिंत प्रणति को सम्यक चारित्र कहते हैं। कौन से वो स्थान में होती है? पहले में, अब तो जाने की बारी है। कौन से गुण स्थान में है? पहले में जब होती है, अभी बताएंगे आपको। आज अंतिम रात है, भले 11 बज जाए, ठीक है, आज मिथ्यात्व के, ठीक है, ओहो, स्वरूप जानकर, स्वरूप कैसे जाना? लिखो, आगम से, अध्यात्म से, दृष्टांत से, हेतु से, युक्ति से, शरीर कर्म कसाय नष्ट होते हैं, ज्ञान शक्ति क्षण समय ज्ञान बदलता है, ज्ञान गुण बदलता है? नहीं बदलता। और जीव द्रव एक है, ज्ञानादि गुण अनंत है, इसका मतलब क्या हुआ? द्रव और गुण भी अलग अलग है, समझ आ रहा है? अलग अलग का मतलब जो द्रव है वो गुण नहीं, जो गुण है वो द्रव्य नहीं, ऐसा उसका भाव समझना, बराबर। तो ऐसा आज हम अपने ज्ञान गुण के बारे में भी निश्चिंत है। समस्या सबको पर्याय की है, द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र, सच्ची बात है, लिख लो, परिणति जो अपावन है वो आश्रम बंद तत्व है। कौन सा तत्व है? और मेरी परिणति कौन सी है? जानना, 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 जानना। अब उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उपयोग लक्षण है कि नहीं? एक इंद्री निगोद पर्याय हो गई, भावी उपयोग लक्षण है कि नहीं? अज्ञानता चल रही है, इंद्रभूति गौतम, ग्रीक मिथ्यात्व, 500 शिष्य, बोलो ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? वो विशाखा श्री मुनियों को मारा, ज्ञान स्वभाव था कि नहीं था? पांचवा नरक हुआ, ज्ञान स्वभाव था कि नहीं था? जीव की सत्ता की पहचान वहां थी कि नहीं थी? बोलो गजब, मन पर ज्ञान हो गया, ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? है, वो सदा रहता है। तो ज्ञान स्वभाव है, उपयोग लक्षण है, चेतना लक्षण है, है है मतलब अर्थ, सत्ता को अर्थ कहते हैं। और उपयोग क्या करता है? ज्ञान की पर्याय क्या करती है? बोलो, जानना, 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 जानना। क्या काम है उसका? मात्र जानना। कब से है? अभी है कि नहीं? अच्छा, जब हम घर जाते हैं एकदम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तब तो हम क्रोधी हो जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते। तो कुछ सबका प्रश्न है, ये जब कुछ होता है तब तो हम बिल्कुल ज्ञाता, बिल्कुल, तब तो पूरे कौन हो जाते हैं? लिख लो, रहते हैं ज्ञाता, जानते हैं क्रोधी, यही अज्ञान का महापाप है।
रहते हैं ज्ञाता, मानते हैं क्रोधी, यही मिथ्यात्व का अनंत पाप है। और रहते हैं ज्ञाता और क्रोधी मानकर क्रोध को बुरा समझते हैं और क्रोध की झलकन से अपने को भी बुरा समझते हैं, मेरे से बुरा आत्मा कोई नहीं, और क्रोध को मिटाने के चक्कर में रहते हैं, ये मिथ्याचारी। क्या कहा? और सूक्ष्म विज्ञान तो ऐसा है कि वे क्रोध की पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट भी हो गई। असंख्यात पर्याय होगी, कितनी, सांप निकल गया, पता नहीं लाठी पीट रहेगी, क्या हो रहा है। तो मैं पर्याय में कैसा हूं? बोलो, जानने वाला, उपयोग लक्षण, उपयोग क्या करता है, इसके अलावा कुछ कर सकता है, आज तक किया है, बराबर। किसने बनाया उपयोग लक्षण को? जीव द्रव्य की कृपा से है, कौन की कृपा से? अच्छा, उपयोग लक्षण को कौन नष्ट कर सकता है? जब बहुत पाप का उदय आए, बहुत कर्म का उदय आए, लिख लो आप, ज्ञान वर्णी कर्म का, दर्शन मोनी कर्म का, चैत्र मोनी उदय का, तीव्र से तीव्र तब उदय आए, तो भी ज्ञान स्वभाव का बाल वाका नहीं होता। कुछ बात है कि हस्ती कुछ नहीं होता मेरा, तीन शब्द बोले थे, अनटच, इफेक्टलेस और फुल्ली सेफ। पर्याय की बात चल रही है, कुछ नहीं होता ज्ञान स्वभाव में भी। कब नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। किससे नहीं हुआ? किसी से नहीं हुआ। किससे नहीं हुआ? देखो बता रहे, यही शरीर है कि नहीं, यही आठ कर्म है, यही मिथ्यात्व है, अज्ञान है, क्रोधादि विकारी भाव है, हिंसा झूठ चोरी कुशील के भाव है। बोलो, ज्ञान स्वभाव में क्या हुआ? अब जैसे अपन ने वो प्रकाश की किरण वाली बात कही थी, यहां पर जो ज्ञान है, अब उसको अपन जानन विशेष पर्याय से ले रहे हैं। ज्ञान में क्रोध कसाय झलकी, पाप का भाव झलका, तो ज्ञान पाप भाव रूप हुआ? ज्ञान ने पाप भाव को किया? ज्ञान उस पाप भाव से बुरा होता है? होता है। पुण्य भाव उत्पन्न हुआ, पूजा का भाव, स्वाध्याय का भाव, तो ज्ञान पुण्य भाव रूप हुआ, उससे अच्छा हुआ, तो पाप अच्छा है कि पुण्य अच्छा है? कौन अच्छा है? तो पाप से द्वेष, अरे पाप से द्वेष रहा कि खत्म, और पाप से पुण्य से राग, अरे पाप से मैं पापी नहीं होता, पुण्य से पुण्यात्मा नहीं होता, इसलिए पाप से द्वेष नहीं, पाप की चिंता नहीं और पुण्य से राग नहीं, बराबर। और बीतराग्ता प्रकट हो गई, तो ज्ञान ने बीतराग्ता वो किया? ज्ञान बीतरागी हुआ? नहीं होता। न रागी हूं मैं, न बीतरागी बनूंगा, ज्ञानमयी ज्ञायक हूं, ज्ञायक रहूंगा। देखो, पुण्य पाप के भाव नष्ट होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, घटते बढ़ते हैं। मैं नष्ट होता हूं, घटता बढ़ता हूं, नहीं, इसका मतलब पुण्य पाप के भाव में नहीं, पक्का। वीतरागता भी है नहीं है परिणति में, तो वीतरागता है नहीं है, लेकिन मैं हूं भी नहीं। उपयोग लक्षण, जानन स्वभाव, इसका मतलब क्या हुआ? वीतरागता के बिना ही मैं पूरा हूं। कैसा हूं? तो ऐसा अपने उपयोग लक्षण जो स्थित है, भगवान है। क्यों भगवान है? क्यों भगवान है? क्योंकि वो नोकरण द्रव कर्म भाव कर्म से कौन रहित है? कौन रहित है? मेरी ज्ञान की पर्याय, पर्याय ही नोकरण से शरीर से रहे, आठ कर्म से रहे और मोह राग द्वेष से रहे। मैं भगवान हूं, स्वयं सिद्ध हूं,
स्वयं सिद्ध हूं, किसी ने बनाया नहीं है, और स्वयं से अस्ति है और पर से नास्ति है। और नास्ति का मतलब लिख लो, ना अस्ति मतलब चिंता की बात ही नहीं है। ऐसा जानकर पर्याय का सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सम्यक मत बोलो, क्या बोल दो, सच्चा ज्ञान, सच्चा विश्वास, और पर्याय के बारे में भी याद करें, टेंशन फ्री, निश्चिंत, इसको लिख लो। ये है कारण रत्नत्रय। क्या है? कारण रत्नत्रय, कारण विक्रांता, कारण क्षमा। अब इस परिणाम से क्या होगा, इस परिणाम से अब वो चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, जो करणानियों की कर्म मिटाने वाली चर्चा थी। सब इधर देखो, नोट करना, विपरीत निर्णय से टेंशन से कर्म बनते हैं, और सम्यक निर्णय से और निश्चिंता से कर्म छूटते हैं। ये तो सिद्धांत है। अब देखो, हमें आज तक ऐसे अपने द्रवगुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा का निर्णय नहीं था, नहीं था ना निर्णय, अज्ञानता थी, विश्वास भी नहीं था, बराबर। और क्या ज्ञान था, क्या ज्ञान था, मैं शरीर कर्म कसाय वाला हूं, वर्तमान में मेरी शरीर मनुष्य पर्याय है, मोहराग देश की पर्याय है, मैं वर्तमान पर्याय में सुखी की दुखी, जल्दी बोलो, न सुखी न दुखी, रागी की बीत रागी, न रागी न बीत रागी, कम ज्ञान वाला की ज्यादा ज्ञान वाला, ये पर्याय नहीं है मेरी, ऐसा ज्ञान। और अपने को जान क्या रहा था, नहीं शरीर कर्म कसाय वाला, कम ज्यादा ज्ञान वाला, तो ऐसी अज्ञानता थी और ऐसे ही भ्रांति थी, मैं ये हूं। प्राप्त पर्याय में, विशेष पर्यायों में, तन में, मतलब इनके 24 घंटे टेंशन कसाय होते, विकल्प होते, कैसे मिटेंगे, ज्ञान अज्ञान है, भूल जाता हूं, परलक्षी ज्ञान है कि नहीं टेंशन। आज पता चला, लिख लो, जो परलक्षी ज्ञान है वो मेरा स्वरूप नहीं है, जो विशेष ज्ञान है मेरा स्वरूप नहीं है। सुनना, खासतौर से बुजुर्ग, जो याद रखने वाला ज्ञान था जवानी में वो मेरा स्वरूप नहीं था, जो भूल गया ज्ञान वो मेरा स्वरूप नहीं है। टेंशन फ्री, भूल जा, याद रखने वाले हम नहीं थे, और जो भूल गया वो भी हम नहीं है। तो पहले जो अकड़ थी, याद रे इतने ग्रंथ याद है, वो पागलपन भी मिटा और भूल जाप की हीनता दीनता भी समाप्त। किसके बल पर? स्वरूप के बल पर। तो ये सही है कि गलत है? ये सही है। तो आज तक ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। इधर देखो सब, अब इधर देखो, जानू यहां पर करणान्यो कहता है, अनंतानुबंधी कर्म की चट्टान बंधी है, बंधी की नहीं बंधी, अरे है ना, कर्म प्रकृति है ना, कारण शरीर, और यहां पर अनंतानुबंधी है कि नहीं, अप्रत्याख्यान है कि नहीं, प्रत्याख्यान है कि नहीं, संयोजन है कि नहीं, है। इधर देखो सब, सपोज करो इतना मोटा एक डब्बा, एक भावभाषण की बात है, अनंतानुबंधी कसाय दर्शन मौका, एक साथ है ना, वो एक साथ उपसम होती है, एक साथ इतना बड़ा डिब्बा है, अप्रत्याख्यान का इतना है, प्रत्याख्यान का इतना है, और संयोजन का इतना है, ऐसे चार कर्म के डिब्बे यहां पर, ये कर्म प्रकृतियां हैं। अब अभी भी हम तो ज्ञायक नहीं है, हम तो कर्ता है, हम तो मनुष्य है, हम तो जैन श्रावक है, और हम तो पुण्य पाप कर रहे हैं। ऐसा जो अज्ञान है उससे लिख लो, उस कर्म के डिब्बे में और कर्म डल रहे हैं, वो चट्टान मोटी हो रही है, जबकि चट्टान को क्या करना है, तोड़ना है। तो कैसे टूटेगी, लिख लो, ताते जिनवर कथित तत्व, तत्व कितने हैं, ये कहीं दिख रहा है जी, उसको तुमने द्रवगुण पर्याप्त स्वरूप देख लिया, बराबर सूर्य के दृष्टांत से एकदम अनादि अनंत सुरक्षित, तो मेरी तीनों चीजें भेद से भी बराबर बस, और इसको भेद को भी मिटा दो। अब जो जानने वाला है वो जीव है, क्या कहा, तो जानने वाली पर्याय भी हटी, मैं जीव हूं,
और जो प्रकाश शक्ति वाला है वो जीव है, तो प्रकाश शक्ति भी ज्ञान शक्ति भी गोल हो गई, तो क्या दिख रहा है? एक जीव है जीव, बस मैं एक जीव हूं, क्लियर, मैं जीव हूं। तो ऐसा एक का एक रूप एक बार निर्णय हुआ तो लिख लो, जब एक का एक रूप निर्णय होता है तो एक के निर्णय में निर्विकल्पता होती है, क्या होती है? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, है नहीं गाता, मैं परिपूर्ण हूं, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आपूर्ण परिपूर्ण आदि अंत से विमुक्त अनादि अनंत सत्ता, एक ऐसा तत्व हूं मैं। तो ऐसा निर्णय हुआ, अब ऐसे निर्णय के बल पे जो निश्चिंतता है उससे कर्म बनेंगे कि छूटेंगे? बोलो, छूटेंगे कि बनेंगे? छूटेंगे, लेकिन अभी निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो चट्टान बंदी है। अब क्या होगा? अब इस निर्णय के बल पे जो मस्ती है इसे आराधना कहते हैं, इसे पूजा कहते हैं, इसे इसे भक्ति कहते हैं, इसे साधना कहते हैं, नाम कुछ भी रखो। इससे क्या हो रहा है? निर्णय के बल से अब ये नए कर्म बन नहीं गए, तो पुराने कर्म तो झड़ते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं। और जैसे ही इस अंतिम चट्टान की ये परत टूटेगी दर्शन हुए की अनंतानुबंधी की, क्षण भर निज रस को उपकार रत्नत्र प्रकट हो जाएगी। यत्न साध्य की सहज साध्य, देखो तत्व निर्णय हमने किया, अभी निर्णय कराया तो ये पुरुषार्थ, ये यत्न हुआ ज्ञान का, इसलिए यत्न साध्य। लेकिन अब चट्टान तोड़ने में रत्नत्र प्रकट करने में हमें कुछ नहीं करना, इसलिए सहज साध्य। क्लियर हुआ? अभी चिंता नहीं करना, एक घंटा और है, अभी अभी और मजेदार चर्चा चले, अभी आपको 5 लब्धि कराएंगे। वो थे ना भगवान महावीर स्वामी के मौसा जी, क्या नाम था? अरे बोलो तो भैया, जबलपुर के सैनिक नहीं, महाराजा सैनिक, भगवान महावीर स्वामी के मौसा जी थे, पक्के ग्रीक मिथ्यादृष्टि बौद्ध मती। और भगवान महावीर स्वामी की माँ कितनी बहन थी, खेलने दो खेलने, कितनी बहन थी, उनमें एक का नाम क्या था? रानी चेलना, वो उनके पति थे। वो कुछ नहीं करेगी, आप तो हमें देखो, उसे सहज रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अभी आपको 5 लब्धि बताएंगे ज्ञान में ही कैसे होती है, और कैसे उन्हें क्या चमत्कार हुआ, कैसे टूटी चट्टानें, अभी बताएंगे आप, चिंता नहीं कर। तो ये जो 4 चट्टानें हैं, बराबर, विपरीत निर्णय से बंधती है और सम्यक निर्णय से टूटती है। ये जो हमारा भी सम्यक निर्णय हुआ, दुकान घर गृहस्थी मकान पंच परमेष्ठी को देख के हुआ है कि यथार्थ तत्व के निर्णय से हुआ है? इसलिए सच्चा है कि झूठा है, विकल्पात्मक है कि सम्यक ज्ञान के निर्णयात्मक है? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ये बहुत चलती है मार्केट में, ये तो विकल्प है, ये तो, अरे स्वरूप ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, पक्का पक्का। तो ऐसे निर्णय से अपनी चट्टान क्या होगी? बस युक्त अनुसार। और जैसे ही वो टूटेगी, चौथा गुणस्थान, फिर लिख लो पंचम गुणस्थान में भी 11 चट्टान है, कितनी? पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, और कौन किस प्रतिमा में कब तक रहेगा इसका डिसाइड करने वाला ज्ञान नहीं है, वो तो वो जो चट्टान है। अच्छा गुणस्थान कितने हैं, जल्दी बोलो, लिखो अनंत, लिखो लिखो, तो कम से कम लिख तो लो, कितने गुण स्थान है? अनंत गुण स्थान है। और लिखो पहले गुण स्थान के ही अनंत भीड़ है, चौथे के लिखो, चौथे के भी अब अनंत नहीं तो असंख्यात भीड़ है,
क्या कहे, समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। बाल बहुत है, समझ आ रहा है? देखो हजार पति में कितने नोट है, ऐसे ही वीतरागता के भीड़ है। ये तो चौथा और स्थान, पांचवा स्थान, तीसरी प्रतिमा, बहुत मोटे 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 चरणानियों की अपेक्षा से डिवाइडेशन है। अब क्या कहे, क्या कहे, भाव आसन चाहिए। भाव आसन का नाम वीर शासन है। भाव आसन, चीजों का भाव आसन चाहिए। आप बहुत बड़ी मल्टी में रहते हैं और बहुत बड़ा ऊपर टैंक है, समझ करो 25 मंजिल की है, तो टैंक भी बड़ा होगा, और उसमें जो पानी के पाइप गए अलग अलग बोरियों से, एक इतना मोटा है, एक इतना मोटा है, एक इतना मोटा है, एक इतना मोटा है, चार पाइप ऐसे लगे हैं, तो टंकी कैसी हो रही है, लबालब पूरी भरी है। अब आप यदि वो मोटा वाला पाइप बंद कर देंगे और पानी तो नीचे से टोटियों से यूज हो ही रहा है, तो क्या होगा, टंकी तेजी से होगी कि नहीं होगी। ऐसे लिख लो, जो अपने को ज्ञान स्वरूपी आत्मा अनुभवता है उसे अनंतानुबंधी और दर्शन मुए के मोटे पाइप के कर्मों का वो पाइप बंद होता है। कैसे बंद होता है वो भी सुनो, अनंत पर पदार्थ, अनंत ज्ञ, लिख लो अनंत पर्याय, अनंत गुण, हमें निर्णय में इनका भेद दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमारा ज्ञान अनंत से राग द्वेष नहीं करना। कितनों से इष्ट अनिष्ट ना, कोई जग में कौन, कोई कोई नहीं, कोई परद्रव्य नहीं, कोई प्रभाव नहीं, तो ऐसा अनंत अनुबंधी संबंधी मोटा पाइप पहले रोकता है बराबर, और पाइप तो नीचे से पानी तो जा ही रहा, और जो अस्थि की मस्ती है उससे एक काम और होता है, नीचे इतना मोटा पाइप था ना, तो पाइप इतना मोटा हो जाता है, तो और तेजी से, और तेजी से, ये डबल काम होता है एक साथ, मोटा पाइप बंद होता है ऊपर और नीचे चौड़ा होता जाता है, और फिर दूसरा पाइप भी बंद कर दिया, अब क्या हो रहा है, पानी और कम, और एक दिन क्या हुआ, पूरा टैंक खाली, मोक्ष, मोक्ष है। अब प्रतिमा नियोग पे चल रहे, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, पांच लब्धि पढ़ा रहे हैं, अंतिम अंतिम दो तीन दिन हो गए, बहुत दिन से पेंडिंग चल रही थी। पहले पांच लब्धि के नाम लिखो श्रणी भैया, बहुत मस्त है पांच लब्धि। ज्ञान में ज्ञायक के निर्णय की योग्यता होना, इसका नाम है क्षयोक्षम लब्धि। एक साथ बोलो परिभाषा, आठ साल तक के बालक बालिका में योग्यता नहीं होती, उन्हें क्षयोक्षम लब्धि नहीं है, पक्का। दूसरा पॉइंट, जितने भी संगी पंचेंद्री जीव हैं, जितने भी चार गति के और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमेरिकन लिख लेना, उन सबके ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा के निर्णय की क्षमता है, ये क्षयोक्षम लब्धि। अध्यात्म की मुखता से कर्णानियों के बीच में मत लाना अभी, और कौन का गौरव कब जग जाएगा ये आपको पता नहीं है, इसलिए तत्व चर्चा से पीछे भी नहीं हटना, ये तो ऐसा ही है, वो भी प्रतिमानियों से बताइए, पक्का। क्षयोक्षम लब्धि, ज्ञान में ज्ञायक के निर्णय की योग्यता होना, क्षमता होना, एबिलिटी होना, प्राप्ति, लब्धि कहते हैं प्राप्ति को, ऐसी योग्यता की प्राप्ति कि ज्ञान ज्ञायक के स्वरूप को समझ सके। अभी हमने समझा दृष्टांत के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, पक्का। दूसरी, ज्ञान ज्ञायक के निर्णय में, ज्ञान ज्ञायक के निर्णय में लगे, उसकी जिज्ञासा हो, मुझे देखना ज्ञायक कैसा, समझना है,
समझना, ये जो जिज्ञासा है समझना कैसा है, ये विशुद्धि लब्धि। इधर देखो सब, अब ठीक है प्रवचन तो चलते ही है, हम तो सुनते ही है, अब ठीक है इन लोगों का काम तो प्रेरणा देने का है ही, लिख लेना विशुद्धि लब्धि नहीं है। क्या कहा, आ गए बैठ गए, सुन लिया नहीं सुना, पढ़ लिया नहीं पढ़ा। आदरणीय बड़े पंडित साहब कहते हैं, यदि ऐसा लड़का कोई दूसरी तीसरी क्लास में भी करे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, विशुद्धि लब्धि किसे बोला? अटकर्म क्या है, गुणस्थान क्या है, इनको जानने की जिज्ञासा नहीं। किसकी जानने की जिज्ञासा? कैसा ज्ञायक है, कैसा परम प्रभु है, कैसा सुष्टि भगवान आत्मा है, कैसा कर्म कलंक से रहित शाश्वत देव है। ऐसी जो ज्ञान में ललक जिज्ञासा, इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। तीसरा, उस ज्ञान को आज के दिन वीर प्रभु का उपदेश मिला। मिला कि नहीं मिला? तुम ज्ञायक हो, तुम द्रव्यानो कर्म से रहित हो, तुम जानने वाले भी नहीं हो, और तुम जीवंत शक्ति से भी नहीं जीते। निश्चित हो गया पांच का, लोकर्म द्रव कर्म भाव कर्म पर्याय गुण भेद। क्या कहा, निषेध हुआ? जीवत शक्ति मेरे से जीती है, मैंने किसकी? द्रव की। तो ऐसा उपदेश होना, वो देशना, वो गुरु की पर्याय, वो द्रव्य की, दूसरे द्रव्य की पर्याय, निमित्ती की पर्याय, भाषा वर्णा, तो अपने ज्ञान में वो देशना ग्रहण होना, जानने में आना, वो ऐसा स्वरूप है, ऐसा वीर शासन है, ऐसा ज्ञायक है, ये ज्ञान में आना, इसका नाम है देशना लब्धि। क्या कहा, ज्ञान में भली भांति ज्ञायक का स्वरूप आना, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा मेरा त्रैकालिक स्वरूप है, इस ज्ञान को क्या कहेंगे? देशना लब्धि। और वो ज्ञान, ओहो ऐसा मेरा स्वरूप है, गजब हो गया, मैं शरीर वाला नहीं, मैं कसाय वाला नहीं, मैं इनसे अच्छा बुरा नहीं होता, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, पर्याय बदले प्रति क्षण अनंत, लेकिन मेरा नहीं होवे अंत, ऐसा मैं अनादि अनंत संत हूं। विद्या सागर, क्षमा सागर, ज्ञान सागर, सुधा सागर कौन है? मैं विशुद्ध सागर। ऐसा अजब गजब तक अद्भुतात अद्भुत कैसा लिखा है, अचिंत शक्ति स्वयं देव चिन्मात्र चिंता मणिरेशमा। राज भैया, ऐसा मैं देव हूं, ऐसी जो ज्ञान में मस्ती चल रही है, लिख लो, इसका नाम है प्रायोग लब्धि। ऐसी जो निर्णय की पूरी जो ऐसा निर्णय की प्रोसेस चल रही है, निर्णय की प्रोसेस, और बराबर पूरी तरह से ज्ञान निर्णीत हो गया, ऐसा ही मैं हूं, और निश्चिंता उत्पन्न हो गई, इसका नाम है करण लब्धि। अब हम अमर लखा न मरेंगे, अब हम पारणामिक भाव लखा औधिक भाव की चिंता खत्म। लिख लो, औधिक भाव की नहीं, छायक भाव की भी चिंता नहीं कि वीतराग का जल्दी जाए, एक बार आ जाए, चिंता नहीं, इसका नाम है करण लब्धि। और ऐसी लब्धि उनको हुई थी, पांच मिनट में चर्चा करके विराम ले रहे हैं, ठीक है? क्या गौतम स्वामी, वो इस घटा रहे हैं दूसरे से। राजा श्रेणिक का नाम सबने सुना है, सुना है? उन्हें कितने मुद्रात पर उपसर किया था अर्पित। राजा सैनिक ने कितने मुद्राओं को उपसर किया था?
नहीं पता एक पर क्या नाम था उनका है यशोधर, ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातें मत आना। क्या नाम था उनका? गोवर्धन मुनिराज। क्या नाम था? क्या नाम था? पक्का हमने पहले बताया था थोड़ी देर, कोई बात नहीं। यशोधर मुनिराज प्रोफेसर किया, कितने मुनिराज प्रोफेसर किया लिखो, अनंत पर। अनंतानुबंधी का साहब बता रहे हैं वो कैसे मिटती है, वो बता रहे हैं। एक पर नहीं किया, सारे रानी चेल्ला के गुरु भ्रष्ट, सारे मुनिराज खराब, कितने अनंत कालवर्ती। लिख लो, कवि सपने में भी सब मुनि ऐसे ही होते हैं। सर भैया क्या बोल रहे हो, जरूरत नहीं है। एक पर नहीं किया, कितनों पर किया बोलो आप, गजब है। पहले तो ये रानी चेल्ला के गुरु, उनने मेरे गुरु का अपमान किया था, 18 शिकारी कुत्ते छोड़े उनके ऊपर और वो शांत हो गए, गजब है। पशु शांत हो गए और इनका गुस्सा और बढ़ गया, गजब है। लगता है कोई मायावी है, कोई जादूगर है, कुत्तों को बस में कर लिया। अब घटना है जो भी है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मरा हुआ सर पे डाल दिया। उसी समय सातवें रथ के का 33 सागर की आयु का बंद हुआ। बोर्ड में क्या लिखा है पढ़ो, नीचे सबसे नीचे दो लाइन लिखी है, इसमें निकालो। भेद ज्ञान की धारा प्रबल है, कैसे टिकेंगे कर्म आगे। समय सार का बल है, वेद विज्ञान का बल है, कैसे टिकेंगे, जो कभी बता रहे हैं। कितने कर्म बंधे पहले, 33 सागर की आयु अभी वहां से आगम प्रमाण है, तो सातवें वर्ष की। और 33 सागर मतलब एक सागर में असंख्यात असंख्यात वर्ष होते हैं, कितने असंख्यात असंख्यात वर्ष। ऐसी आयु बांधी, इतने कर्म बंधे, इतने कर्म। फिर क्या हुआ, सर सर्प डाल के वापिस आ गए। 3 दिन बाद अचानक उनको याद आई तो चेल्ला से कहा, सुनो रानी चेल्ला, तुम्हारे गुरु मिले थे। अच्छा, अरे सर्प डाल दिया मैंने मरा हुआ, अरे ये क्या किया, कुछ नहीं किया, ढोंगी उठ के चला गया होगा। सुनो, यदि वो मेरे गुरु होंगे और उपसर्ग दूर नहीं हुआ होगा तो वहीं बैठे होंगे। चलो पहुंचे, दूर से ही देखा वो वहीं बैठे हैं। इतना देखते सही परिणाम, अरे तो यहीं बैठे। और पास गए, सर्प मरा हुआ पूरा लाल हो रहा, चीटी चीटी पूरा शरीर। अब देख के और फिर शांत मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अंतर्मुख मुद्रा, मुद्रा विज्ञान। अब तो और पास गए, सर्प को हटाया, उपसर्ग दूर हुआ पूरा। मुनिराज ने आंखें खोली और सबसे पहले बोले, ऐ दया श्रेणी राजू, बेटा रानी चेल्ला तुम सामने आओ। क्या किया क्या किया, अरे कुछ नहीं सहज। अब तो गजब हो गया। अब बैठे, अब तो अंदर में एकदम दुश्चिंतन की धारा। अरे ये कैसे वितरागी संत है, कैसे पवित्र आत्मा है, और मैं कैसा दुष्ट, मैं राजा, राजा का कर्तव्य प्रजा की, और ये तो फिर संत थे, मैंने इनको उपसर्ग किया अंदर में। अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। और यशोधन मुनिराज ने उनके मन में चलने वाले उस दुश्चिंतन को जाना मन पर ज्ञान से। हे राजा सैनिक, सुनना ध्यान से, तुम राजा सैनिक नहीं हो, तुम शरीर वाले नहीं हो, तुमने उपसर्ग नहीं किया,
तुम उपसर्ग के कर्ता नहीं हो, इस उपसर्ग से मेरा कोई बिगाड़ नहीं हुआ। आत्मलीन मुनिराज हो आनंद अतिंद्री पावे, परिस है उपसर्ग जिन्हें किंचित ना छूने पावे। ऐसा उपदेश दिया, तुम कर्ता नहीं तुम ज्ञाता हो। और वही पर उपदेश सुनकर पांच लब्धि हुई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया वही पर। और 33 सागर की आयु के कर्म सिमट कर कुल 84,000 साल रह गए वर्ष। समुद्र का पानी सूख कर कैसे टिके वो कर्म, किसका बल है? नहीं आता। भेद विज्ञान का जादू है, मैजिक का भेद विज्ञान। किसका जादू है बोलवा? हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हो बस कितने काम करने से, एक ही पुरुषार्थ, एक ही। मैं कौन हूं, क्या स्वरूप है मेरा? मैं तो समय सार हूं। क्या करता हूं? समय सार बना रहता हूं। लिख लो, ज्ञान करना पर्याय का काम है, मेरा नहीं। मैं संतरी नहीं हूं, मैं तो मंत्री भी नहीं हूं। क्या बोल रहे? जीव राजा हूं। आई एम नॉट वॉचमैन, आई एम वास। मैं वास हूं, मैं ज्ञायक परमेश्वर हूं, मैं अचिंत देव हूं। पढ़ के बताया, सुस्थित भगवान आत्मा। 12वां क्लस याद रखना, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं। इसकी सिद्धि ही बराबर हर तरह से। ये मैं हूं, दूसरा मैं कुछ नहीं हूं। ऐसे निर्णय पूर्वक अस्थि की मस्ती से नए कर्म बनते नहीं है, वो पुराने कर्म छूटते। बोलो, कर्म छूटते दिख रहे कि नहीं दिख रहे? लिख लो, जिन्हें करणानियों का विश्वास है उन्हें दिखना है। दिख रहे हैं? राजा सैनिक से दिखाया पन्ने, अभी आगम से पुतमानी उससे दिखाया, वो करना नहीं हो गए। विपरीत निर्णय से कर्म बनते हैं और सम्यक निर्णय से छूटते हैं। आज से हमारे छूट रहे हैं, और जिसके नहीं छूट रहे हो कल सुबह फिराना। उपाय तो एक ही है, ठीक है? चलिए।